होता है उसमें असल प्रोग्राम जो होता है वो मिल बैठ करके खाना जमेते जी ने बाबरी मस्जिद का भी कजिया छेड़ा तो देखिए मस्जिद का मसला एक अलग है, लेकिन हमने जिस दिन से ये मसला कोर्ट में गया था सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हम थे, इसलिए क्या हम सन 49 से लेकर आज तक जमीयत उलमा का यह नज़रिया नहीं है कि वो किसी मसले को गली कूचे में ला कर के गालम गलौज और लड़ाई शुरू कर दें। इसलिए हमारे बुजुर्ग सन 49 में जिस वक्त ये मसला हुआ था अदालत के अंदर गए ताकि कोई झगड़ा ना हो, हिंदू और मुसलमान में झगड़ा ना हो। अदालत में जाने का मतलब ये है कि हमारा गवर्नमेंट के साथ एक इख्तलाफ है, हमारा मुल्क है, हमारा कानून है, हम कोर्ट को ले जाते हैं, पेश करते हैं, फैसला जो होगा देखा जाएगा। कोर्ट से लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में भी सबसे पहले जाने वाली जमीयत उलमा थी। लेकिन हमने उसी दिन ये बात कह दी थी और हजारों मर्तबा लोगों से और 50-50 हज़ार एक एक लाख के मजमों में हम ये बात कहते चले आए हैं। हम आज भी उस पर पत्थर की तरह जमे हुए, अदालत जो भी फैसला कर देगी हम उसका एहतराम कोई लड़ाई झगड़ा अगर कोई करता है मैं समझता हूँ कि वो अपनी कम्युनिटी और मुल्क को नुकसान पहुँचाता है। हम इस बात को सिर्फ जबान से नहीं हम अपने दिल से कहते चले आए हैं और हम इसके ऊपर कायम है। मैं आप हजरात से भी यही बात कहता हूँ, हिंदू और मुसलमान हर एक से यही बात कहता हूँ, हम अदालत हमारी है, हम अदालत में गए हैं, कानून मुल्क का हमारा है, हम लेकर गए हैं कि इसके अंदर जहाँ दो फरीक झगड़ते हैं किसी तीसरे को सालिस बनाया जाता है। हमारा इख्तलाफ हुआ, हमने कोर्ट को सालिस बनाया, आप फैसला कर दीजिए, कानून जो कहता है वो फैसला कर दीजिए। हमारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक इत्मीनान है, हम तो रोज़ाना मुकदमा लड़ते